शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। नए साल में भी जारी रहेगा सर्दी का सितम। पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर का कहर। दिल्ली NCR में तापमान 3 डिग्री से नीचे। ठंडी हवाओं की वजह से गिरा पारा। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत बने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आर्मी चीफ के तौर पर आज खत्म होने वाला है कार्यकाल। रक्षा मंत्री के सलाहकार के तौर पर काम करेंगे जनरल विपिन रावत। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी पहले की तरह देते रहेंगे अपनी सलाह। अमरावती में CAA, NRC और NPR के खिलाफ निकला हजारों लोगों का मार्च। कागज नहीं दिखाने की ली शपथ। वाराणसी में NRC और CAA के खिलाफ शास्त्री घाट पर सत्याग्रह। गिरफ्तार किए गए 54 लोगों की रिहाई की मांग। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 17 दिनों से दिन रात महिलाओं का विरोध जारी। 2 डिग्री तापमान में भी प्रदर्शन। CAA और NRC वापस लेने की मांग। UP के मेरठ में विद्युत भंडार केंद्र में आग। धमाके के साथ फटने लगा गोदाम के अंदर का सामान। आग की चपेट में आया पास का एक गोदाम भी। दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू।